सावन के प्रथम सोमवार को राष्ट्रभक्त संगठन के द्वारा मंदिर मुक्ति दिवस पर धूमधाम से संपन्न हुई समरसता जलाभिषेक यात्रा का आज दिनांक 10 जुलाई श्रावण मास के प्रथम सोमवार को राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जड़िया के नेतृत्व में समरसता जलाभिषेक यात्रा जो सईद पार्क से प्रारंभ हुई चलकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों गोविंद तिराहा सियर गेट ओरछा गेट रोड ओरछा गेट होकर कसाई मंडी पहुंची, जहां पर भक्तों ने महाजलाभिषेक रुद्राभिषेक किया। डीजे के पीछे 500 महिलाएं कलश लेकर चल रही थीं। इसके पीछे डीजे पर हजारों की संख्या में युवा बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। रास्ते पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। ओरछा गेट व्यापार मंडल ने भी यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में प्रमुख रूप से किशोर तिवारी, यात्रा सह संयोजक छोटू कुशवाहा, सह संयोजक अर्पित शर्मा, दिनेश कुशवाहा, ध्रुव अर्जुन, अमर रैकबार, दिनेश, दीपक, अमन, पंकज, चंचल, शैलेंद्र, राहुल, सुनील आदि उपस्थित थे। ये कसाई मंडी स्थित शिवालय है जो प्राचीन रतन का बाग कहलाता था। इस शिवालय के अंदर गाय भैंसा बांधी जाती थी, जिसको हमारे संगठन के द्वारा 5 वर्ष पूर्व इस मंदिर को मुक्त किया गया। ये जो आप तीनों चारों ओर भाग देख रहे हैं, ये मंदिर के ही भाग है। और इस मंदिर से लगी हुई 10.5 एकड़ जमीन थी जो मंदिर के पुजारी के लिए खेती करके जीविकोपार्जन के लिए थी। उस जमीन के ऊपर 3.5 एकड़ के आसपास कब्जा हो गया है। 7 एकड़ जमीन अभी खाली डली हुई है, जिसपे अनैतिक रूप से भैंसों के लदान उतरान का कार्य होता है। अवैध पूरी की पूरी मंडी यहाँ पर पशु मंडी चलती है, जिसको लेकर के संगठन ने तय किया है कि संगठन संघर्ष करेगा और इस मंडी को खाली करा करके इस मैदान को इस मंदिर के सुपुर्द करवाएगा। साथ ही साथ इस मंदिर पर यात्रा निकालने में बहुत व्यवधान आते हैं। हम लोगों को परमिशन कल दी गई, अर्थात सोमवार आ जाए, इतवार को हम लोगों को परमिशन दी गई इस यात्रा को निकालने की। जबकि 5 साल से जब इसकी परमिशन हो रही है और 15 दिन पहले पुलिस की रिपोर्ट लग के आ गई थी, तो 15 दिन पहले हमें परमिशन हाथ में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। यात्रा में व्यवधान डालने का काम किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा हिंदू जनमानस इस मंदिर के ऊपर ना आ पाए। हम लोगों की दृढ़ संकल्पित है कि मंदिर को हर हालत में कब्जा मुक्त जिस तरह से इस मंदिर परिसर को कराया। संपूर्ण समाज के एक शोभा यात्रा है, इसका नाम दिया गया, जो इसलिए दिया गया था हिंदू समाज को जोड़ने के लिए। झांसी से अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।